जो अपने बेटों से उनको कोई सरोकार नहीं, वो कहते हैं कि मेरे नौजवानों, तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारा देश खतरे में, तुम्हारा सनातन धर्म खतरे में है, तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है। तो जवान पूछता है तो हाउ कैन एंड व्हाट विल यू डू, हम क्या करें अपने देश को धर्म को बचाने के लिए। तो फौरन एक गुरुजी पढ़ते धर्मो रक्षति रक्षतः, कि तुम धर्म की रक्षा करो, हिंदुस्तान में ये धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। वो कहते हम धर्म की रक्षा कैसे करें, वो कहते हैं कि हाथ में लो तलवार और हाथ में लो त्रिशूल, और जब भी रामनवमी का मौका आए, जब भी कृष्णाष्टमी का मौका आए, जब भी दिवाली का मौका आए, और जब भी दशहरा का मौका आए, तो जहां जहां पर भी तुम्हारे ये जिहादी लोग मिलते, जिहादी मुस्लिम का दूसरा नाम उन्होंने जिहादी रखा, जिहादी लोग मिले, दाढ़ी वाले मिल जाए, टोपी वाले मिल जाए, इनको मजबूर करो अपने धर्म कबूल करने पर, यानी हिंदू धर्म बदलने कबूल करने पर मजबूर करो। अगर नहीं मानते हैं तो उनको थप्पड़ मारो और उनसे कहो कि बोल भारत माता की जय, उनसे कहो कि बोले जय श्री राम का नारा। ये तबलीग, ये तमसा इतना घर किया हुआ है कि सिर्फ नौजवानों के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए कुछ नफरत परस्त एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जब शपथ लिया जाता है तो शपथ ग्रहण के अंदर वो चीज देखने को मिलती है, क्या जय श्री राम भारत माता की जय, और वंदे मातरम के नारे लगते हैं। गद्दारों, तुम तो बैठ गए पार्लियामेंट के अंदर, पैसे लेकर कुर्सियां बदली तुमने, अपने ईमान का सौदा किया तुमने, नफरत को पार्लियामेंट में नहीं घुसना चाहिए था, राजनीति की फील तक ठीक था, अपने अपने शपथ ग्रहण के अंदर मुसलमान अपने कुरान पढ़कर और मुसलमान अपने अल्लाह का नाम लेकर शपथ लेता, हिंदू अपने गायत्री मंत्र पढ़कर शपथ लेता, और हिंदुस्तान के अंदर सिख भाई लोग अपने मूल मंत्र पढ़कर शपथ लेता, मुसलमान पढ़ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीनिर्रहमानिर्रहीम। वहीं पर अगर कोई हिंदू एमपी तो अपने धार्मिक शास्त्र, अपने ब्रह्मा सूत्र पढ़ता, अपने गायत्री मंत्र पढ़ता और कहता ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम, ए परमात्मा भूल चूक में जो गलती हो गई उनको तू नष्ट कर दे, उनको तू भस्म कर दे, अब यहां से हम आगे जनता के बीच में जाएंगे, ए ईश्वर हमें तू शक्ति दे ताकि हम तेरे मार्ग का लोगों को सही तरीके से दर्शन दिखा पाए। वहीं पर अगर सिख भाई होते तो सिख भाई कहते एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरवो नरवीर अकाय मोरत अजवनी से गुंगुर प्रसादी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे नफरत परस्त लोग, सारे जल्लाद लोग बैठ कर वहां पर अपने अपने धर्म की बात करने लगे, अपने 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 नफरत का इजहार करने लगे, शपथ लेने के बजाय हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के बजाय नफरत का खुला इजहार किया गया पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर। वो मंदिर है हिंदुस्तान का, वो मस्जिद है हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम का वो पवित्र स्थान है। कौन सी जगह? पार्लियामेंट। लेकिन इतनी नफरत भरी गई, धर्मो रक्षति रक्षता का गलत मतलब समझा समझा कर कि उन लोगों ने वहां पर भी इस जैसी जुर्म को और अपने ख्यालात को नहीं छुपा पाए, लोगों के सामने वाजा किया कि देखो हम कितनी नफरत करते हैं, हम तुमको जब ही मानेंगे कि तुम इस देश से प्रेम करते हो, जब तक तुम भारत माता की जय नहीं बोल दोगे, जब तक तुम जय श्री राम के नारे नहीं लगाओगे, जब तक तुम वंदे मातरम नहीं बोलोगे। लेकिन वहां पर था एक शेर बबर, उसने खुले हुए साफ लफ्जों में चीखता हुआ कहा कि तुम बोलो तुम्हें जो बोलना हो, मेरा अल्लाहु अकबर है, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर था रहेगा, तुम जैसे गीदड़ के डराने से हम डरने वाले नहीं है, ये मोमिन है, इनके सीने के अंदर ईमान है, और मुसलमान कल भी शेर था, आज भी शेर है, और कयामत तक शेर रहेगा। इसलिए शेर था कि मुसलमानों ने फिरौन को भी तबाह बर्बाद कर दिया, मुसलमानों से टक्कर लेने वाला हिटलर था उसको भी जमीन की खानी पड़ी, मुसलमानों से मुकाबला करने वाला जालिम ब्रिटिश गवर्नमेंट था, अंग्रेज थे वो भी मुंह दुम दबाकर भागने पर मजबूर हुए। और आज वक्त में
करता है, पूरे हिंदुस्तान के तरफ से दलित का मसीहा बनकर आया है। क्यों? जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन अल बातिल कान ज़हूका। नफरत फैलाने वाले हिंदू भाइयों, उन लोगों से कह दें आप जो नफरत फैलाते हैं, 7% हिंदू भाई ऐसे हैं जो नफरत पर विश्वास नहीं रखते। मैं कैसे बता सकता हूं आपको? पता है, अभी 3 नवंबर को एक प्रोग्राम था बरौनी की सरजमीन पर। उस प्रोग्राम के अंदर पिंडाल ब्राह्मण ने लगाया, नीचे कालीन यादव ने बिछाया और स्टेज धोबी बिरादरी के लोगों ने सजाया। उस प्रोग्राम का सदर जो था वो ब्राह्मण था और उसका जो सेक्रेटरी था वो मुस्लिम था और उसका जो कैशियर था वो एक धोबी जात से बिलोंग करता था। उस प्रोग्राम के अंदर 3 महान मुकर्रर बुलाए गए, उनकी नजर में महान थे, बाकी अपने हिसाब से तो हर आदमी की क्वालिटी होती। उन्होंने 3 मुकर्रर को बुलाया, 3 में से 2 हिंदू मुकर्रर और 1 मुस्लिम मुकर्रर और 1 चीफ गेस्ट थे उसमें। आपको ताज्जुब होगा उस प्रोग्राम के अगर मैंने आपको कारगुजारी सुना दी उसका, हुआ क्या था उस प्रोग्राम के अंदर, वो प्रोग्राम कैसा था। मैंने एक बात कही है कि 60% हिंदू भाई ऐसे हैं जो हम लोग अभी मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 6% है जो ब्राह्मणिज्म का दावा करते हैं, जिनकी वजह से आज भी देश पूरा परेशान है। कभी NRC के नाम पर, अभी NRC का बिल रखा गया पार्लियामेंट में पेश होने के लिए, और अभी कल बयान दिया है एक बड़े गुरु ने भी झारखंड की सरजमीन पर कि सन 2024 तक NRC लाएंगे। NRC मुसलमान पीछे नहीं हटेगा, लेकिन सिर्फ टोपी दाढ़ी वाले पर NRC लागू नहीं होगा। ये तुम्हारे बाप का संविधान नहीं है, हिंदुस्तान ने अपने संविधान के अंदर लिखा है, उठाओ दफा 3, दफा 14 और 12 जिसके अंदर लिखा गया है कि NRC धर्म के नाम पर नहीं होगा, NRC इंडियन सिटीजन के नाम पर होगा, NRC नागरिकता के नाम पर होगा, सिर्फ कलीमे की बुनियाद पर NRC नहीं होगा। अगर होता तो आसाम के अंदर होता सिर्फ मुसलमानों पर। क्यों? धर्म के नाम पर NRC हो ये गैर कानूनी है, ये बिल तुम्हारे बाप दादा भी पास नहीं कर सकते। सिर्फ मुसलमानों पर NRC नहीं हो सकता, पूरे हिंदुस्तान पर NRC लागू किया जाए। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन, कोई एतराज नहीं हमें इन पर, सब पर हो NRC, हिंदू पर भी हो, मुस्लिम पर भी हो, क्रिश्चियन पर भी हो। लेकिन मेरे भाइयों, अभी जो नई चीज निकल कर आई, क्या कि CAB बिल भी पास कराने की कोशिश है, और NRC से कहीं ज्यादा खतरनाक ये CAB बिल है। मैं बताऊंगा व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ CAB बिल। मैं हालात हाजरा की जो गलत प्रोपेगेंडे हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। मैं कोई कानून के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। हमसे किसी ने फोन करके कहा कि अब्दुल्ला साहब आप क्यों कानून के खिलाफ बोलते हैं? हमने कहा कि मैं तौबा करता हूं, अगर कानून के खिलाफ जिस दिन बोलूंगा मैं, संविधान के खिलाफ मेरे हाथ में